भाई टाटा ने इतिहास रच दिया है, सबसे पहले ट्विन सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी लेके आए थे और अब ऑटोमेटिक के अंदर सीएनजी लेके आ गए हैं। भाई मैं बात कर रहा हूं टाटा टियागो की, जो कि है XTA वेरिएंट, बेस वेरिएंट इसको बोल सकते हो, ऑटोमेटिक सीएनजी वाला। प्राइसिंग की बात करेंगे तो भाई मात्र 7,90,000 रुपए का ये एक्स शोरूम पड़ जाता है, और अगर ऑन रोड आप इसको लेने जाओगे तो मोटा मोटा 9 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड दिल्ली आपको पड़ जाएगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन इसके अंदर मिलता है, पावर इसकी 72.41 bhp की निकालता है और टॉर्क जो है वो 95 nm का मैक्सिमम टॉर्क ये निकाल के आपको देता है। बाकी भाई एक चीज बहुत अच्छी है इस गाड़ी के अंदर कि 5-star रेटिंग के साथ साथ आपको सीएनजी प्लस ऑटोमेटिक, कहने का मतलब अगर दिल्ली में आप रहते हो या ऐसी किसी ट्रैफिक वाली सिटी में आप रहते हो जहां पे आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए प्लस फ्यूल कंजम्पशन भी कम होनी चाहिए, कहने का मतलब चलाने में सस्ती पड़नी चाहिए, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। इसके अंदर क्या क्या चीजें ये ऑफर करती है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट लुक में आप देखोगे जो इसकी ग्रिल है भाई वो पियानो फिनिश में मिलती है और वहीं पे लोगो जो है वो 2D लोगो आ चुका है, जो ब्लैक के ऊपर सिल्वरिश आपको मिलता है, ये पहले वाले लोगो से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुका है। दूसरी बात, वहीं क्रोम की लाइनिंग आपको मिलेगी जो एक लाइट से दूसरी लाइट को कनेक्ट करती है, और अगर नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे मैट फिनिश में ग्रिल मिलेगी जो कि काफी ज्यादा विजिबल है इनसाइड, और फॉग लैंप इसके अंदर नहीं आते हैं, ना ही कोई DRLs आते हैं। हेडलैम्प की बात करोगे तो भाई हेलोजन आपको मिल जाएगा जिसमें लो बीम एंड हाई बीम इसी के अंदर मिलता है। बाकी ओवरऑल लुक अगर आप इसकी एक बार देखोगे तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुकी है जब से इन्होंने थोड़े से ग्रिल्स वगैरह इसके अंदर चेंज करी है। बात करते हैं साइड प्रोफाइलिंग की। साइड प्रोफाइलिंग में आपको देखोगे तो जो इसका टायर साइज है वो 175/65 R14 inches का मिलेगा, अपोलो का टायर इसके अंदर मिल जाता है। ये जो इसका कवर है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ये लग रहा है। वहीं अगर आप साइड पोर्शन से आओगे तो आप देखोगे कि छोटी सी कॉम्पैक्ट एक गाड़ी है जो कि आपको ट्रैफिक में और जो कंजेस्टेड सड़कें हैं या फिर पार्किंग के लिए कम जब स्पेस है उसमें बहुत इजीली ये खड़ी हो सकती है। वहीं पे ORVM की बात करेंगे, पियानो फिनिश में ब्लैक कलर का ORVM मिलेगा और इंडिकेटर भी इसी के अंदर इंटीग्रेटेड आपको मिल जाएंगे। और अगर आप बात करेंगे ओवरऑल लुक की तो आप देख सकते हो ओवरऑल लुक इसका किस तरीके का है। वहीं अगर रेयर प्रोफाइल पे आ जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टॉप माउंट लाइट है, स्पॉइलर है, और एक चीज और है, इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए स्पॉइलर से थोड़ा सा और कनेक्ट करके बाहर को निकाला है ताकि इसको एक स्पोर्टी लुक दी जाए। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि विंडो एरिया में ग्लास में कोई भी डिफॉगर आपको नहीं मिलता है, सीएनजी की बैजिंग, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे कि इसको 2D लोगो, टियागो की बैजिंग, और यहाँ पे की को इंसर्ट करने के लिए जो कि बूट स्पेस को ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी 2 parking sensors भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, नीचे ब्लैक कलर का जो है वो आपको मैट फिनिश में मिलेगा, और नीचे अगेन जो इसकी बम्पर है वो ब्लूइश मिलेगा। और आप देखो ये एलिमेंट जो है ना इसका, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इसको बना रहा है, थोड़ा सा और स्पोर्टी लुक बनाने की या स्पोर्टी लुक देने की कोशिश इसमें की गई है। बाकी वहीं पे अगर आप टेल लैंप की बात करोगे तो हेलोजन सेटअप के साथ आपको इंडिकेटर, ब्रेक लाइट और बैक लाइट इसमें मिल जाएगा। अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें ये ऑफर करती है। सबसे पहले की आप दिखा दूं, 2 key इसके अंदर मिलती है, पहली की में सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, दूसरी की आपको नॉर्मल मैनुअल ही मिलेगी। एक चीज और है, इसके अंदर लॉक अनलॉक और प्लस आपको हेलोजन को फॉलो मी हेडलैम्प इसके अंदर मिलते हैं, तो प्रेस आपने अगर करोगे तो हेडलैम्प जल जाएंगे और दोबारा प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएंगे। अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें ये ऑफर करती है। सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं तो आपको ब्लैक एंड थोड़ा सा डार्क कलर का जो है वो कॉम्बिनेशन मिलेगा, ग्रेइश डार्क, और चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, और यहाँ पे 1 liter की बॉटल आप आराम से फंसा सकते हो, थोड़ा सा कॉइन रखने के लिए भी स्पेस है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, और यहाँ पे ORVM को एडजस्ट करने के लिए भी बटन मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर। अब ये गाड़ी आपको बाहर से देखने में तो काफी कॉम्पैक्ट नजर आएगी, लेकिन जब आप इसके अंदर आओगे ना तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि स्पेस की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले आप बात करोगे इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आप देखो हरमन का है, टच नहीं है लेकिन काफी अच्छा ये साउंड प्रोड्यूस करता है इसके स्पीकर्स के साथ। वहीं पे अगर बात करेंगे स्टीयरिंग को तो स्टीयरिंग काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको होल्ड करने में काफी अच्छा इसे लगेगा। इसके अंदर पियानो फिनिश भी मिल जाता है, नया वाला टाटा का लोगो भी मिल जाएगा, और आप देखोगे कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कंप्लीटली डिजिटल है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, ऊपर जो है वो आपको फ्यूल दिखाई देगा, सीएनजी का कितने पॉइंट्स है, या राइट हैंड साइड में आपको पेट्रोल के दिखाई देंगे। बाकी सीट बेल्ट्स के इंडिकेशंस और बाकी इंडिकेशंस जो है वो है RPM का जो है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो सारे के सारे कंट्रोल्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। बाकी एक चीज और बड़ी अच्छी इसके अंदर है, इसके अंदर देखो ब्लू कलर की गाड़ी है तो ब्लू कलर का ही आपको इसके AC वेंट्स के अंदर आउटपुट मिल जाएगा, वहीं सिल्वर क्रोम भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। बटन की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में कोई बटन नहीं है, स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आप सामान रख सकते हो, और
यहाँ पे अगर सेंटर पैनल की बात करेंगे तो सेंटर पैनल में वही क्रोम की लाइनिंग आपको मिल जाएगी एसी वेंट्स में। वहीं पे यहाँ पे कोई भी बटन वर्किंग नहीं है, बट यहाँ पे सीएनजी जो फ्यूल अगर स्विच करना है आपको तो उसका बटन आपको मिल जाएगा। हालांकि गाड़ी जो है वो डायरेक्ट सीएनजी में स्टार्ट होती है, बट लेकिन अगर आपको बाई चांस पेट्रोल में स्विच करके चलानी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी एसी के कंट्रोल जो है वो मैनुअली आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एयर का फ्लो है उसको बाहर की एयर अंदर लानी चाहते हो तो उसका बटन यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे जो है वो यूएसबी पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिला हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ सीएनजी, एक्सप्लोर द ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स इनसाइड। कहने का मतलब ये पहली ऐसी गाड़ी है जो सीएनजी और ऑटोमेटिक साथ में दे रही है। कोई भी कंपनी अभी तक ऐसी डेयरिंग नहीं कर पाई है, टाटा ने करके दिखाया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसके जो पैडल्स हैं वो ऑटोमेटिक वाले हैं और ये सीएनजी गाड़ी है, यहाँ पे भी सीएनजी की बैजिंग दी हुई है। अब यहाँ पे दो कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ब्रेक लीवर है और यहाँ पे बॉटल रखने के लिए थोड़ा बहुत स्पेस दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी सीटिंग कंफर्ट की। तो देखो 5'7" मेरी हाइट है और सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है, थाई मेरी लगी हुई है नीचे, लेग रूम की भी कोई कमी नहीं है और बैक सपोर्ट भी अगर आप बात करोगे तो बैक सपोर्ट भी काफी अच्छा है। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेड है और उसका कुशनिंग सॉफ्ट है, मेरे को अच्छे से कंफर्टेबल राइड ये दे सकती है जब मैं इसको लॉन्ग जर्नी पे लेके जाऊंगा। और बाकी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है तो कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, किसी भी गली में। वहीं आईआरवीएम की बात करेंगे तो मैनुअली एडजस्टेड आईआरवीएम मिलेगा डे एंड नाइट, और वैनिटी मिरर जो है वो आपको पैसेंजर साइड में ही मिलेगा, ड्राइविंग साइड में नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात क्या है, यहाँ पर लाइट ना देकर बीच में लाइट दी हुई है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि इसका थ्रो जो है वो पूरी गाड़ी में रहता है अगर आप लाइट यहाँ पे देते हो, फ्रंट वाली लाइट का नहीं रहता। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स भाई काफी बड़ा सा है, दो कंपार्टमेंट है ऊपर भी और नीचे, तो आप आराम से सामान रख सकते हो इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप देखोगे इसका ऑलमोस्ट 80 डिग्री पे इसका डोर ओपन हो जाता है, जिससे ये बताता है कि भाई इसके अंदर चढ़ने में और उतरने में, बैठने में या उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके डोर के जो थर्ड है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बाकी देखो 5'7" मेरी हाइट है, लेग रूम की कोई भी कमी नहीं है। 6 फीट के भी अगर आप होंगे तो आपको लेग रूम की कमी नहीं होने वाली है। हालांकि थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, बट एक बहुत अच्छी बात बताया गया है इसको, देखो एक्स्ट्रा कुशनिंग दी हुई है, क्योंकि जनरली यूं तो कोई बैठता नहीं है, यूं ही बैठते हैं, तो अगर आप लॉन्ग जर्नीज में भी जाओगे तो ये थाई सपोर्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसकी वजह से कंफर्टेबल राइड होने वाली है। आई डोंट थिंक कि छोटी सीट होने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो काफी अच्छा मुझे लग रहा है इसमें बैठने के बाद। और बैक सपोर्ट की भी अगर बात करोगे तो बैक सपोर्ट भी काफी अच्छा है, रिक्लाइनिंग एंगल जो है वो भी काफी अच्छा है। हालांकि हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेड नहीं है, बट उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आराम से देखो लॉन्ग जर्नीज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5'7" मेरी हाइट है जस्ट फॉर रेफरेंस। और हेडरूम की बात करोगे उसके बाद भी मुझे 5 इंचेस का हेडरूम, 5 to 5.5 इंचेस का हेडरूम मुझे मिल रहा है। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो ये टच करने वाला है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी डोर की बात करेंगे तो ड्यूअल टोन में ही डोर मिलेगा आपको। वहीं पावर विंडो का स्विच है, ट्विटर कॉइन रखने के लिए स्पेस और 1 लीटर की बॉटल आप यहाँ पे लेटा के आराम से फंसा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे हम्प है बड़ा सा, तो मिडल में तो आप एक छोटे बच्चे को ही बैठा सकते हो, जो अगर कोई बड़ा बैठेगा तो उसको प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि ये उसी सेगमेंट की गाड़ी है कि भाई ये एक छोटी फैमिली के लिए है और एसी वेंट्स भी इसके अंदर नहीं आते हैं, तो ये ओवरऑल जो है आपको स्पेस की कोई कमी नहीं होगी। एरी लगेगा काफी, क्योंकि ये जो ग्लास एरिया वो काफी बड़ा है, फ्रंट का ग्लास एरिया भी काफी बड़ा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसकी जो सीट बेल्ट है वो 3 पॉइंट सीट बेल्ट ही मिलेगी चाहे तीनों पैसेंजर्स हो, तो मिडिल वाले के लिए भी आप देखो कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट इस टाइप का मिलेगा, यहीं से गाड़ी में दिया हुआ है, यहीं से गाड़ी में दिया हुआ है, जो कि काफी प्रैक्टिकल है, काफी अच्छा है। तो चलते हैं पीछे, अब इसके बूट स्पेस की और सीएनजी सिलेंडर की बात करते हैं। तो बूट को अनलॉक करने के लिए आपको बाहर से ही इसका लीवर खींचना पड़ेगा, जो ड्राइविंग सीट है उसके नीचे से बूट अनलॉक हो जाएगा। इसको ऊपर करेंगे, ओपन करेंगे आप तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी सीएनजी सिलेंडर नहीं है, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर को इसके अंदर रखा हुआ है, जो कि ये देखिए ट्विन टेक्नोलॉजी में इसका सिलेंडर आता है, दो सिलेंडर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और यहाँ पे उसके बाद भी इसमें अच्छा खासा आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। अच्छे से प्लेस किया गया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको दिखने में कि गाड़ी के अंदर सिलेंडर है, अच्छे से आप देख सकते हो कि आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई सिलेंडर है। बाकी रही बात लाइट की, कोई ऐसे लाइट नहीं दी हुई है जिसमें लोड अनलोड करने के लिए सामान को आपको विजिबल हो जाए। बाकी यहाँ पे 3 kg का हुक दिया हुआ है जिसमें आप 3 kg तक लटका सकते हो, जो कि दोनों ही साइड में मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्पेयर व्हील की। तो जो इसका स्पेयर व्हील है वो इसके नीचे ही मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली सेम साइज का है। तो ये था वीडियो टाटा टियागो ऑटोमेटिक सीएनजी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा उसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। बाकी इसको चला के हम फील जरूर करेंगे आने वाली वीडियो में कि कैसी चलती है, कैसी परफॉर्मेंस देती है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।